दिल्ली में 18 मौत के बाद शाह और डोभाल हुए एक्टिव। दिल्ली में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा की वजह से अब तक करीब 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार सुबह दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए। यहां पर कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सक्रिय हो गए हैं। जी हां, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हो रही हिंसा में 18 मौत के बाद शाह और डोभाल एक्टिव हो गए। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस को अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद में जारी CAA विरोधी धरना स्थल को खाली करवा दिया है। उधर हालात का जायजा लेने के लिए अजीत डोभाल मंगलवार देर रात हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने गाड़ी में बैठकर सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, यमुना विहार जैसे हिंसा प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। NSA डोभाल रात करीब 11:30 बजे सीलमपुर स्थित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP दफ्तर पहुंचे। शहर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में DCP नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद NSA डोभाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकल गए। देर रात उनकी गाड़ी सीलमपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, मौजपुर जैसे हिंसाग्रस्त इलाकों में घूमती रही। हालात का जायजा लेने के बाद वो लौट गए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पिछले 24 घंटों में शाह की ये तीसरी बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक रात 7 बजे शुरू हुई और रात 10 बजे तक चली। हालांकि सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ इलाकों में हिंसा का दौर जारी रहा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बुधवार सुबह स्क्रैप मार्केट की एक दुकान में आग लगा दी गई। चश्मदीदों का कहना है कि यहां पर कुछ लोग आए और आग लगाकर भाग गए। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों से पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात बेकाबू होने के बाद एहतियाती तौर पर दिल्ली में जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर और चांदबाग इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। आपको यह हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दिल्ली के गुनहगार कौन है इस पर अपनी राय जरूर रखें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।